तो आज इस लेक्चर में हम डिलेट एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं जो कि प्रोडक्ट डिलेट का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपके प्रोडक्ट शो रहे हैं जिसमें आप इमेजेस देख ही पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक्शन बटन ऐड करने वाले हैं डिलेट। ठीक है, तो ये वाली हमारी एपीआई जिसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्विस के अंदर इसको रख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक मैथड क्रिएट कर लेते हैं इसका। तो SRC एंड देन सर्विस एंड देन आपका प्रोडक्ट सर्विस जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नीचे आता हूँ और ये आई होप कि आप URL ENV फाइल से ले रहे हो। ठीक है, मैंने बना नहीं रखी है क्योंकि ये थोड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही था। ठीक है, पर आगे हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डिलेट प्रोडक्ट। ये क्या कर रहा होगा, बेसिकली फॉर्म डेटा दे रहा होगा जो कि यहाँ पर हमारा आ रहा होगा। एंड देन यहाँ पर ये यह आपका URL होगा, लाइक जो URL है वो आपका है डिलेट प्रोडक्ट। एंड देन डिलेट प्रोडक्ट यहाँ पर हमने किया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, लाइक हेडर्स भी पास करना होगा, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये बेसिकली हमारी पोस्ट ही पे ही होने वाली है, आई थिंक हमने पोस्ट ही रख रखा है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ, पोस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर ये हेडर्स पास कर देता हूँ। हेडर्स के अंदर क्या जाएगा, बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटेंट टाइप इसका जा रहा है एप्लीकेशन अंडरस्कोर जेसन। ठीक है, अंडरस्कोर नहीं है बेसिकली, स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारा जा रहा था पोस्ट मेथड, तो हमने पोस्ट URL फॉर्म डेटा कॉन्फ़िगरेशन में हेडर आपका गया। ठीक है, इतना काम आपको कर देना है इसके अंदर, इसको कर देते हैं हम सेव। ठीक है, क्योंकि अब इसका काम जो है खत्म हो चुका है, बाकी तो सब ठीक है। तो हम इसको क्लोज करते हैं, अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर, प्रोडक्ट एंड देन प्रोडक्ट कंपोनेंट। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो डेटा शो हो रहा है, लाइक कहाँ पर शो हो रहा है, हाँ प्रोडक्ट नेम, यूजर का नेम, प्राइस आ रहा है। ठीक है, सेम थिंग मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक TD और बना लेता हूँ। TD मैंने यहाँ पर बनाया। सबसे पहले तो मैं एक एक्शन दे देता हूँ यहाँ पर, लाइक TH में मैं लाइक यहाँ पर लिख दूंगा डिलेट। ठीक, डिलेट एंड देन यहाँ पर हम बूट स्ट्रैप तो ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, तो हम क्या करते हैं थोड़ा इसको क्लास दे देंगे बटन को। तो यहाँ पर मैंने बटन बनाया और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लास देता हूँ, लाइक थोड़ा लगे कि हाँ ये डेंजर है। ठीक है, मतलब BTN डेंजर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं इसके इवेंट, यहाँ पर एक इवेंट फायर करूंगा जिससे जैसे ही क्लिक होगा तो आपका डिलीट होगा प्रोडक्ट विदाउट पेज रिफ्रेशिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीट कि डिलीट करो। एंड देन यहाँ पर हम ऑन क्लिक इवेंट चलाएंगे, बेसिकली ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक मेथड कॉल कराएंगे, पहले तो हम यहाँ पर इवेंट फायर करवा लेते हैं और यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, डिलीट प्रोडक्ट नाम का हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या होगा प्रोडक्ट आईडी जाएगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नाम का डेटा तो ऑलरेडी आ ही रहा है और यहाँ से हम आईडी निकाल लेंगे और ये हम मेथड जो है अब क्रिएट करने वाले हैं टॉप पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ कमेंट लगा लेता हूँ, डिलीट प्रोडक्ट डेटा। एंड देन यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट। एंड देन यहाँ पर असिंक का वेट हम यूज करेंगे। एंड देन ये बेसिकली प्रोडक्ट आईडी आ रही होगी यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट आईडी, और ये आपका बन चुका है फैट एरो मेथड। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मैंने क्या किया है, डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा मेथड तो बन चुका है, बेसिकली वो एरर थोड़ी देर के लिए रही थी क्योंकि वो फ्रेश न्यू पैदा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिलीट प्रोडक्ट हो गया, मतलब आईडी हमारे पास आ चुकी है, अब हमें इसे फॉर्म डेटा में भेजना होगा। ठीक है, फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा सॉरी फॉर्म डेटा यार सजेशन आ जा फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। एंड देन यहाँ पर हमारी जो है बेसिकली आईडी जा रही है ना इसमें, ई आईडी, तो वो हमें यहाँ पर भेजनी होगी। एंड देन यहाँ पर आ रही है आपकी प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी, तो ये आपका फॉर्म डेटा हो चुका है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी सर्विस यूज हो रही है प्रोडक्ट नेम से, आई थिंक ये रही प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, तो डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कॉल करूंगा प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट। एंड देन यहाँ पर हम अपना फॉर्म डेटा पास कर देंगे
फॉर्म डेटा एंड देन यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम अवेट का यूज कर लेंगे एंड देन जो भी इसका रेस्पॉन्स होगा वो हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कराया मैंने रेस्पॉन्स यहाँ पर, और यहाँ पर हम इफ एल्स लगा लेते हैं, इफ एंड एल्स। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि मेरे को रिफ्रेश करना है मतलब प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पर ये जो फैच प्रोडक्ट्स नाम का हमने ऑलरेडी मेथड बनाया हुआ था, इसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे फैच प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जिससे कि कुछ एरर मतलब हमारे प्रोडक्ट रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कि सबसे पहले तो मैं कंसोल करा लेता हूँ कि मेरे पास कंसोल में डेटा क्या मिल रहा है रेस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो रेस्पॉन्स के अंदर बेसिकली मेरे को मिलेगा प्रोडक्ट रिलेटेड सक्सेसफुली समथिंग, इस तरीके से मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पर एक की मिल रही है आपको सक्सेस नाम की, जिसके बेस पर हम चेक कर लेंगे, तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस। ठीक है, अगर सक्सेस अगर आपका ट्रू होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली अलर्ट करा देते हैं, क्या अलर्ट करा देंगे, जो इसके पास रेस्पॉन्स से जो मैसेज आया, तो डेटा डॉट जो ये आपका एमएसजी है ना, इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अलर्ट में हमने करा दिया प्रिंट, वरना अगर कोई एरर होती है तो भी हमें एरर तो शो करानी होगी, तो वो हमने यहाँ पर करा दिया। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पर हैंडल कर दिए हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी ये रिफ्रेश होगा, हाँ हो चुका है। लाइक मान के चलिए मैं सबसे पहले स्टॉक्स वाले को डिलीट करता हूँ, तो क्या हुआ, तो कॉल किया मैंने पर कुछ हुआ नहीं, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ कुछ। हाँ यहाँ पर कुछ एरर्स आ रही हैं, तो ये क्या बोल रहा है 400 इन प्रॉमिस, तो चेक कर लेता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ, डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। 400 पर एरर आ रही है, क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट आई डी फेल्ड फॉर वैल्यू टाइप स्ट्रिंग अंडरस्कोर आई डी, ये कुछ एरर आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग की, हमें प्रोडक्ट आईडी मिल भी रही है नहीं, प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी मेरे पास आई, क्लोज करता हूँ यहाँ पर, अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार ना, तो यहाँ पर अब मैं अगेन किसी को ऊपर क्लिक करता हूँ, हाँ ये बोलता है अनडिफाइंड प्रोडक्ट आईडी मेरे को नहीं मिल रही है गाइस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने डिलीट प्रोडक्ट के पास जाना होगा, तो डिलीट प्रोडक्ट के पास जाते हैं हम यहाँ पर, एंड देन ये क्या बोलता है, प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी इसको मिली नहीं, प्रोडक्ट डॉट आईडी इसको मिलनी तो चाहिए थी पर इसको मिली क्यों नहीं, हाँ सॉरी गाइस, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी है ना, वो हमारा अंडरस्कोर आता है, तो ये मैं भूल गया था, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर मेरा पेज तो रिफ्रेश हो ही चुका होगा, अंडरस्कोर आईडी ले लेगा। अब मैं यहाँ पर सॉक्स वाले को डिलीट करता हूँ, हाँ बोल रहा है प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली हो चुका है, देख सकते हो गाइस यहाँ पर भी आपका पेज भी रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, लाइक मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें इंटीग्रेट करनी है अपनी एडिट प्रोडक्ट पे, सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें, सो थैंक यू।